आज रामू की जायदाद के केस का फैसला होने वाला था। रामू बड़ी उम्मीदों के साथ जज साहब की तरफ देख रहा था। आखिर रामू है कौन और ये उसका जायदाद का केस क्या है? रामू एक आम आदमी जिसने बहुत मेहनत करके ज़िंदगी भर प्रॉपर्टी इकट्ठी की, अपने बच्चों की सुख सुविधा के लिए बहुत सारी धरोहर इकट्ठी की, पैसा इकट्ठा किया और लास्ट में उसके अपने ही चार बच्चों ने जायदाद की लड़ाई को लेकर उस पर केस कर दिया। केस भी क्या, जायदाद के बंटवारे का। उसके चारों बच्चे ये चाहते थे कि ये जायदाद उनमें बटे। रामू बड़ी हसरत के साथ जज साहब की तरफ देख रहा था कि आखिर जज साहब इस केस का क्या फैसला करते हैं। फाइनली जज साहब आए, उन्होंने सबकी बातें सुनी, सारी दलीलें सुनी और उसके बाद उन्होंने चारों बच्चों से पूछा, क्या चाहते हो भैया आप? बच्चों का कहना था कि ये सारी जायदाद सब में बराबर बराबर चार हिस्सों में बढ़ जाए। जज साहब ने बोला ठीक है, तो अब इस रामू का क्या होगा, इसका खाने पीने का इंतजाम कौन करेगा? बच्चों ने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये हमारे पिताजी हैं, पूजनीय हैं, हम इनको तीन तीन महीने एक एक करके अपने पास रखेंगे और ये जिसके पास भी रहेंगे उन तीन महीने में इनकी हर तरीके की सेवा, खाना पीना, दवाई, उसका इंतजाम वो करेगा। जज साहब को अच्छा लगा प्रस्ताव। फाइनली जज साहब अपना डिसीजन देने वाले थे, उन्होंने कहा देखो भाई रामू, मेरी तरफ से जो सबसे अच्छा संभावित इसका निर्णय हो सकता है वो यही है कि आप इन चारों बच्चों के साथ तीन तीन महीने बारी बारी से रहें ताकि इन तीनों को बराबर बराबर आपकी सेवा करने का मौका मिले और ये हर तरीके से आपको समझ पाएं। रामू गुस्से में एकदम तेज़ी से उठा और एक झटके में बोला, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, पैसा मेरा, तो फैसला भी मेरा। जज साहब ने बोला बताओ क्या फैसला भाई तुम्हारा? मेरा फैसला ये है कि जज साहब तीन महीने मैं नहीं, ये तीन तीन महीने आकर मेरे साथ रहें, मेरी सेवा करें, अपने खाने पीने का इंतजाम करें और बाकी के बचे हुए नौ महीने ये अपनी सेवा अपने खाने पीने का इंतजाम ये खुद करें, ये है मेरा निर्णय। जज साहब ने रामू के इस निर्णय को बहुत हर्ष के साथ स्वीकार किया और तालियां बजा के उसका प्रोत्साहन किया और रामू द्वारा लिए गए इस कठिन निर्णय के लिए उसको बहुत 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 बधाइयां दी। बट ये रामू है कौन? ये रामू आप जैसे ही लोग हैं, आप सभी हैं जो अपने बच्चों के आगे बेबस होके अपनी सारी कमाई हुई, गाड़ी मेहनत करी हुई, जमीन जायदाद पैसा आराम से उनमें बांट देते हैं और उन्हें बना देते हैं अपाहिज। वो कुछ नहीं करना चाहते, बस वो कैलकुलेशन लगाना चाहते हैं कि मेरे पिताजी की इतनी प्रॉपर्टी है तो मेरे हिस्से में कितनी आई। वो खुद कामयाब नहीं बनना चाहते, वो अपनी कमाई हुई मेहनत से कुछ नहीं करना चाहते। उन्हें क्या चाहिए? पिताजी की कमाई हुई मेहनत में हिस्सा। वो अपने माँ बाप की गाढ़ी मेहनत की कमाई को हिस्से में बांटना चाहते हैं, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते, उसमें हिस्सेदारी बढ़ाना नहीं चाहते, उसके हिस्से करना चाहते हैं। अगर इसी तरह से हिस्से होते रहे तो सोचिए आने वाली पीढ़ी पे क्या हिस्सा बचेगा, कुछ भी नहीं। तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों को कामयाब बनाएं, अपाहिज ना बनाएं, उनको ये कदापि मौका ना दें कि वो आपकी कमाई हुई प्रॉपर्टी में से हिस्सा मांगने के लिए सोचें, वो ये सोचें कि इसको और कैसे इम्प्रूव करना है। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर योर वॉचिंग, माई सेल्फ अरुण शर्मा। अगर आपको मेरी ये बात जरा सी भी अच्छी लगी हो और ये समाज के हित में हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की कोशिश करें ताकि और रामू ना मिले हमें, हमें एक अच्छा समाज मिले जहाँ बच्चे अपने बाप के हिस्से को बढ़ा रहे हों ना कि उसमें हिस्सा मांग रहे हों। थैंक यू, धन्यवाद।